कई महिलाओं को यूटीआई की समस्या बार बार हो जाती है। यूटीआई महिलाओं को होने वाला एक आम इन्फेक्शन है जो बार बार पेशाब की वजह से बन सकता है। अगर इम्यूनिटी कमजोर है या साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो महिलाओं को बार बार यूटीआई हो सकता है। लेकिन क्या बार बार यूटीआई होना कैंसर की ओर इशारा करता है? ये सवाल यूटीआई से ग्रस्त महिलाओं के मन में अक्सर आता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि बार बार यूटीआई की समस्या क्यों होती है। अगर आपको पहले यूटीआई हुआ था और आपने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया था तो आपको यूटीआई की समस्या हो सकती है। ऐसे में ठीक से इलाज ना कराने से बैक्टीरिया दोबारा पनपने लगते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। पब्लिक टॉयलेट यूज करने से भी यूटीआई की समस्या हो जाती है। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है, ऐसे में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और महिलाओं को बार बार यूटीआई भी हो सकता है। अब चलिए बताते हैं कि क्या बार बार यूटीआई होना कैंसर का संकेत हो सकता है। तो एक्सपर्ट्स की माने तो बार बार यूटीआई होना कैंसर का संकेत नहीं होता, लेकिन कुछ समस्याओं में महिलाओं को बार बार यूटीआई होने जैसे संकेत नजर आ सकते हैं। महिलाओं को होने वाले अधिकतर कैंसर की समस्या में ब्लैडर कैंसर भी शामिल है। ब्लैडर कैंसर होने पर भी पेशेंट को बार बार यूटीआई की समस्या हो सकती है। ऐसे में यूरिन को होल्ड करना मुश्किल होता है और बार बार यूरिनेट के लिए जाने की जरूरत होती है। किडनी कैंसर। किडनी में कैंसर होने पर भी महिलाओं को यूटीआई हो सकता है। ऐसे इसलिए क्योंकि किडनी यूरिन फिल्टर करने में मदद करती है। जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो इससे इन्फेक्शन और ब्लैडर हेल्थ पर भी असर पड़ता है। ऐसे में भी बार बार यूटीआई होना या यूरिन करते वक्त दर्द होने जैसी समस्या हो सकती है। प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक नॉर्मल कैंसर है। ऐसे में पुरुषों को भी यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा यूरिन करने में परेशानी या दर्द होने जैसी समस्या भी हो सकती है। मतलब कि ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जैसी समस्याओं में यूटीआई की समस्या हो सकती है, लेकिन बार बार यूटीआई होना कैंसर का संकेत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।